लोग मायके से माल खाते हुए भी और ले जाते हुए भी, और हम हमको बोझा 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 देकर हमें भी बिल्कुल वो सवार बनाते हुए। इस गांव से विदाई, नानी जी से विदाई, और डॉगी ने तो इतना जाते वक्त इतना दुख मनाया, बॉडी के भी आंसू आ गए है ना। विदाई की बेला में बड़ा अजीब लगता है। चलो 11 बजे आए थे और 4 बजे निकल गए। आज का सफ़र इसी प्रकार, ये गांव की सड़क अभी आज अनार अनार के साथ हमारी विदाई हुई। अनार, आम, ककड़ी और हम कीवी, कीवी भी हम एक ही पीस लाए कीवी का भले आज, लेकिन अपने हिस्से की कीवी भी ले गए, अनार भी ले गए, आम भी ले गए और खीरे भी ले गए। चार चार पांच पांच चीज़ें विदाई, बड़ा अच्छा। अरे उस समय नहीं बना पाए हम फोटो, उस समय माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ था। चलिए सभी नेगी परिवारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेगी परिवारों का क्या, हमारे पास तो जो माता श्री मिली हुई हैं और इतनी ममता मई हैं कि हमारा तो स्वयं ही मन कर देता कि यार वहाँ पे मिल के आ जाएं। फिर अब हम 2 महीने का वादा करके आए हैं कि 2 महीने बाद हम फिर आएंगे यहाँ पे तुमसे मिलने। तो आने वाले 2 महीने में फिर आपको भैंसी खेत का नज़ारा आपका दिया जाएगा। स्कूल छोड़ते हुए मौसम आज हमारे हिस्से में और प्रकृति के द्वारा बहुत सही बना हुआ था। सुबह भी आते वक्त धूप और जाते वक्त भी धूप, थोड़ी बहुत छींटे छाटे 12:30-1 बजे के करीब आए थे, ना के बराबर। तो अब चलते हैं आज इस गांव को विदा करते हुए। थैंक यू भैंस खेत, और थैंक यू सासू माता जी।